हम सोचे ऐसे जा रहे होंगे, उन लोग आए हमको पकड़ के घसीट के मारने लगे। अफसर अली थे, बरखा और तस्लीम, मारे मारे बोले इसके पेट पर मार, पेट पर इसका बच्चा ख़त्म हो जाए। मारे फिर उसके बाद हम कैसे कैसे बचा के भाग गए, भाग गए तो फिर उसके बाद से ब्लड होने लगा। तो हम लोग थाने पे गए, थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उन लोग बोले कि जाओ पहले इसका इलाज करवाओ, इलाज करवाओ जाके। तब यहाँ पे ला, यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे जब से आए बस ये एक ठो बोतल लगा दिए हैं, बस ऐसे पड़े हैं, कोई इलाज उलाज नहीं हुआ है। क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी कि क्यों मारे? ऐसी झगड़ा उन लोग हमेशा करते रहते हैं जमीन के विवाद के चक्कर में। सुनवाई हो रही है? नहीं अभी कोई नहीं सुनवाई हुई है कहीं से भी। हाँ वही जब हम आए हैं तो वही बस वही बोतल लगा दी है, इंजेक्शन एक ठो लगा के बस, तब से कोई नहीं। बोले कि जब वहाँ थाने से कोई रिपोर्ट आएगा या कोई आएगा तभी हम लोग कुछ एक्शन लेंगे। आज कार्यालय में सितारा निशा नामक एक महिला मेरे समक्ष पेश हुई और उसने प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उसने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसकी बहू सरनम के साथ मारपीट की, जिसके कारण उसके शिशु की जो गर्भ में था, 4 महीने का गर्भ था, उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक जफराबाद को वैधानिक कार्रवाई के लिए भेजा जाए। सर उनका आरोप ये भी है कि वो पहले भी थाने में कई चक्कर लगा चुके, लास्ट में आपके पास आना पड़ा। नहीं उसने मुझे इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं बताई। अगर इस तरह की कोई चीज़ आएगी, ना ही उनके प्रार्थना पत्र में इस तरह की कोई चीज़ लिखी हुई है, अगर कोई बात होगी तो उसकी भी जांच कराने की कार्रवाई की।